किसका बनाएंगे? नो कंक्लूजन का। नो कंक्लूजन से पहले आप लोगों ने सम और ऑल कंक्लूजन जो है वो पढ़ लिए, वो इस वीडियो से पहले आप लोग देखोगे। अच्छा, यहाँ पर नो कंक्लूजन की ये जो स्टेप है वो ये कि आपने बेसिक डायग्राम, इसमें आप लोग दो डायग्राम बनाओगे, एक को हम बेसिक डायग्राम कहते हैं। बेसिक डायग्राम वही डायग्राम है जो आप लोगों ने सम और आर के लिए बनाया, सही। तो ड्रा बेसिक डायग्राम, ये किस तरह बनेगा जो आप लोगों ने आम डायग्राम सम और आर के लिए बनाया था। ड्रा पॉसिबल डायग्राम, खामोशी खामोशी, ड्रा पॉसिबल डायग्राम। पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे, यानी दो अलग डायग्राम हर कंक्लूजन के लिए बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे वो भी प्रैक्टिकल से जाहिर कर लोगे, और फिर इन बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम का कंबाइंड ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उससे हम रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। किस तरह, इस एग्जांपल को देखिए। एग्जांपल में है स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट प्रीमिसेस भी कहलाते हैं। कि कंक्लूजन को देखे बगैर आप लोग पहले क्या करो, इधर एक दो मैं इधर लिखता हूँ बेसिक डायग्राम। पहले आप बेसिक डायग्राम बनाए, बेसिक डायग्राम। अच्छा, बस आप डायरेक्ट जो है डायग्राम शुरू कर दे बेसिक। सम टी आर टी, तो सम टी आर टी, ये आपका टी हो और ये आपका टी। सम टी आर टी, टी सम टी आर टी। फिर है सम टी आर यू, सम टी आर यू, सम टी आर यू। फिर लिखा है आर यू आर सी, तो आर यू जो है इसको आप इसके अंतर ले आर यू आर सी। फिर आर सी आर डी, सी जो है वो डी के अंतर आ जाएगा, आर सी आर डी। आप लोग जो है तो और से लेके जान पर मैं गलती करता हूँ, आप लोग रिकॉर्ड आप कर सकते हैं आर सी आर डी। फिर है नो डी इज ई, नो डी इज ई, जो है इससे अलग बन जाएगा इसका। सही, अभी आप आ जाए किधर, कंक्लूजन वर्किंग में जो है इधर ये पहले कंबाइंड टेबल बना ले। तो ये मेरे पास कितने कंक्लूजन है, ये चार कंक्लूजन है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि पहले बेसिक, फिर पॉसिबल, और फिर इसका कंबाइंड रिजल्ट। सही, और अगर मैं कंक्लूजन लिख लेता हूं, कंक्लूजन 1, 2, 3 और 4। अच्छा, प्रोसेस क्या है देख रहे, इस प्रोसेस को आप लोग रख लिया। मैंने बेसिक डायग्राम बना लिया, उसी तरह बनाया जिस तरह मैंने अदर कंक्लूजन सम और आर के लिए बनाया। जब कंक्लूजन नो के साथ हो, जिस तरह आपको इधर नजर आ रहा है नो ई स्टी, तो देख पहले इसको बेसिक डायग्राम में देखोगे, किधर बेसिक डायग्राम में देखोगे नो ई स्टी, देख इधर टी इधर है और टी इधर है, नो ई स्टी। ये बात सही कह रहे हैं, गलत कह रहा है? तो आप बेसिक में छू लेंगे, लेकिन आप क्या कर लो, आप ये तो इसका बेसिक डायग्राम तो सबके लिए एक होगा, कंक्लूजन नंबर वन के लिए आप पॉसिबल डायग्राम बना लो, पॉसिबल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है वो पॉसिबल डायग्राम कंक्लूजन को देखकर बनाते हैं, जिससे वो उससे गलती हो जाती है। सही, आप इसमें से देख, आप जेब में सिर्फ ये डाल दें कि ई और टी की बात हो रही है, किसकी, ई और टी की बात हो रही है। सही, पॉसिबल डायग्राम मेरा जो मशवरा है आपको, आप लोग जो है आप दोबारा से इस प्रीमिसेस को बना लें, लेकिन ई और टी पर आप काम करो। किस पर? ई और टी पर। सम पी आर पी, ये इस तरह बन जाएगा, ये टी और ये टी, ये पॉसिबल में दोबारा बना रहा हूं। सम पी आर यू, सम पी आर यू, देख ना टी और ई अभी दोनों नहीं आए। सही, फिर आर यू आर सी, आर यू आर सी, ये इसी तरह होगा। फिर आर सी आर डी, आर सी आर डी, आर सी आर डी। सही, अभी देख नो डी इज ई,
आपको कहा था कि आप जहन में क्या रख लो कि ई और टी की बात हो रही है। अभी ई जो है वो डी से अलग है, ई बी से अलग है, लेकिन प्रोसेस को देखो। अभी इससे इस डी से मैं ई को क्या करूंगा, अलग करूंगा, क्योंकि इधर प्रीमिस कंक्लूजन को मैं नहीं देख रहा। नो डी इज ई, ई और डी को मैं क्या करूंगा, अलग करूंगा। ई डी से अलग हो रहा है, लेकिन क्या इसको बेहतर बना सकता हूँ? यस सर, बना सकता हूँ। देखिए इससे अलग है और इधर मैंने बना भी लिया, और ये बात किसी भी स्टेटमेंट को वायलेट भी नहीं कर रही, सही। तो जब ये बन जाए फिर आप रिजल्ट को देखते हैं। अभी अभी एक कंक्लूजन कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन, नो ई इसकी, नो ई इसकी, क्या ये बात सही कह रहा है? नो no, गलत है। गलत कह रहा है ना, क्योंकि ई तो डी से मिल सकता है। मिल तो इधर जो है हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इधर ट्रू तब होगा जब ये दोनों ट्रू हो, ट्रू हो, सही। yes. ये पहले के लिए देख मैंने क्या किया, पॉजिटिव बना दिया। अभी दूसरे पर आता हूं, फॉल्स को सीख ले, अच्छा दूसरे को देख। नो ई इज पी, ये दूसरा मैं नो ई इज पी, पहले तो बेसिक में देख लो, ई इधर है और पी इधर है, नो ई इज पी बोर्ड की तरफ। yes, देख पी और ई, तो नो की ये बात सही कह रहा है, तो सही कर लो इसको, ट्रू, सही। अभी पॉसिबल डायग्राम पर आ जाओ। अभी किसकी बात हो रही है, देख ई और पी की, तो आपके साथ से नोट कर लो ई और पी की, लेकिन फिर आप कंक्लूजन को नहीं देखोगे, अच्छा सिर्फ ई और पी अपने जहन में रखो। देख पहली बात उसी तरह है, आज कुछ स्टूडेंट जो हैं या कुछ टीचर जो हैं वो इसका सिर्फ अलग बना लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये तमाम जब बन जाए ना तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है, फिर वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है, फिर वो वायलेशन का पता चलता है कि किसी जगह तो मैं वायलेट नहीं कर रहा, सही। तो देख ये फिर दोबारा बनाता हूँ, लेकिन ई और पी का मैं सिर्फ ख्याल रखूंगा। पहला है आर टी आर पी, तो आर टी आर आर टी आर पी पी। दूसरा है सम पी आर यू, सम पी आर यू, सही। अभी देख पी है, लेकिन जब पी आएगा तो आपने एहतियात करना होगा। आर यू आर सी, आर यू आर सी, सही। फिर आर सी आर डी, आर सी आर डी, आर सी आर, और नो डी इज ई, नो डी, नो ई क्या बना डी, अच्छा ई जो है ये डी से अलग बनेगा, लेकिन पी के साथ देखो, पी के साथ ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, देख इससे अलग है लेकिन ये पी के साथ मिल सकता है, सही है। क्या मिल सकता है, ई इसके साथ मिल सकता है। देखिए मैंने पी के साथ क्यों वो किया, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जेल में ये बात रखी थी, तो आप लोग इस तरीकों को इस तरह फॉलो करो, सही। तो देखिए अभी आप कंक्लूजन को देखिए, टू नंबर अब बनाया है, नो ई इस पी, ई और पी देख कह रहे नहीं है, तो कुछ तो है ना, देखिए क्रॉस ये बात सही कह रहा है क्या गलत, फॉल्स, फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स, क्लियर। अभी आ जाता है तीसरे नंबर की तरफ, अच्छा पहले तो बेसिक में देख लो, बेसिक तो है कि नो ई सी, नो ई इज सी, चलो ये सही है, ये बात तो सही है, ट्रू है। अभी आ जाए पॉसिबल की तरफ, अभी किसकी बात हो रही है, ई और सी की बात हो रही है, तो आप अपने साथ जहन में नोट कर ले इस तरह, नो, सही। अच्छा टी और पी उस तरह बन जाएगा, सही है, सब पी आर पी, फिर सब पी आर यू, सब पी आर यू उस तरह बन जाएगा, फिर आर यू आर सी, आर यू आर सी, इधर थोड़ा एहतियात कर ले सर, आर यू आर सी, फिर कह रहा है आर सी आर डी, आर सी आर डी। अभी नो डी इज ई, डी से ई अलग होगा, क्या ये इससे मिल सकता है, ये पॉइंट है, अच्छा देख ये तो हमने बेसिक में इससे अलग बना लिया, सही है, नो डी इज ई,
लेकिन बात हो रही है अभी किसकी, अभी सी के साथ ई का मसला है। तो क्या मैं इस ई को इससे मिला सकता हूँ, इधर इधर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वायलेट कर रहा है, सी जो है वो खुद ई का हिस्सा है और हम देखा है कि वी ई से नहीं है, तो इसको आप अलग नहीं बना सकते। मतलब ये और बेसिक बिल्कुल सेम बनेगी, ये अलग ही बनेगा, इस तरह अलग ही बनेगा। अगर इधर बना लो कि जिधर भी बना लो, लेकिन ये डी से बाहर जाएगा, तो आप इसको इस सी के साथ टच नहीं कर सकते। क्लियर है? किसको क्लियर नहीं? सही है ना? इधर मैं प्रेस नहीं कर सकता। आसान अल्फाज में मैंने कहा था कि डी ई से नहीं है और सी जो है वो खुद बी का हिस्सा है, तो ये ई जो है ये बिल्कुल सी के साथ टच नहीं हो सकता। टच होगा तो ये वायलेट करेगा। सही? तो अभी आप बेसिक का तो इसका मैंने ट्राई किया है, पॉसिबिलिटी का तीन नंबर देखते हैं। नो ई सी, नो ई इस सी, ये बात सही है क्या गलत? सही। ट्रू ट्रू ट्रू। अभी चार नंबर पर आ जाए। सही? अच्छा, मेरे काज है मैं क्या रख ले, ई और यू रख, ई और यू। अच्छा, वही पुराना तमाम प्रीमिसेस ड्रा कर ले कि आर पी सम पी आर पी सम पी आर पी, दूसरा सम पी आर यू सम पी आर यू। सही? फिर आर सी आर आल यू आर सी आल यू आर सी आर यू आर सी, ये भी सही। आर सी आर डी आर सी आर डी, लेकिन आखिरी के नो डी इज ई और बात हो रही है किसकी, ई की, ये देख यू की, किसकी हो रही है, यू की। क्या आपका ई यू के साथ बन सकता है? नहीं बन सकता ना, क्यों? क्योंकि ये वायलेट कर रहा है इधर में, मतलब नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये बी को वायलेट कर रहा है, यू को वायलेट कर रहा है, तो ये भी इसी तरह बनेगा। अभी प्रीमिसेस नो ई इज यू, नो ई इज यू, ये बात सही कर रहा है? ट्रू है सर। ट्रू। तो इधर आप लिखोगे ये इसका क्या था पहला, ई यू इज यू, बेसिक में नहीं कर ई ये है और ई ये है, तो बेसिक इसका ट्रू है और पॉसिबल भी इसका रिजल्ट भी ट्रू हो जाएगा। ट्रू। तो आपका जो ट्रुथ टेबल बनेगा ये अलग आप बना सकते हो, 1, 2, 3 और 4 कंक्लूजन के लिए इधर से ये काफी कर सकते हो। पहला फाज है, फिर ट्रू है और फिर सही। ये किस कौन से कंक्लूजन के लिए, उस कंक्लूजन के लिए जिसके साथ दो काफी सही।